कल जो हम पढ़ रहे थे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें हमने जो 16 पॉइंट्स हैं वो हमने कवर किए थे। आपने पढ़ लिए होंगे, उसके अंदर कोई डिफिकल्टी अभी तक तो आई नहीं है मेरे पास, और फिर भी अगर हो तो मुझे आप जो है पूछ लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 231 पे हम चल रहे थे। प्रेजेंट ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अभी बता रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें अभी क्या सिनेरियो है, अभी क्या सिचुएशन है वगैरह। 34% मेंबर्स ऑफ द 16th लोकसभा आर फ्रॉम अ क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट देम, ठीक है। ये पिछली बारी लोकसभा की बात कर रहा है, मतलब जब इलेक्शन हो गए तब सारे मेंबर्स आए थे, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एमपीज की बात कर रहा है, तो उनमें से 34% जो थे मेंबर्स, ठीक है, उनपे जो है कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के जो है छोटे मोटे कैसे भी मिला जो क्रिमिनल केसेस जो है चल रहे थे, ठीक है ना। ये होता रहता है, इनके नाम पे केसेस वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो केसेस उनके ऊपर चल रहे थे। द कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड अमंग आवर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये जो सिनेरियो है वो अब चल के जो है, अभी इसकी रिपोर्ट आई नहीं है, तो मेरे हिसाब से 34% से बढ़ ही गए होंगे जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे पिछले साल, 17th लोकसभा जो है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं केसेस हैं, तो उनकी साइकोलॉजी या मेंटल जो है वो भी उसी तरह के होंगे, क्राइम टाइप के, क्रिमिनल टाइप के, वो थोड़े जाएंगे एक जनता का जो है भला करे, वो अपना जो है वेलफेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों का आना हमारी डेमोक्रेसी के लिए जो है अच्छा साइन या इंडिकेशन, मतलब कि साइन या डायरेक्शन, निर्देश नहीं। द कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्रिमिनल इन इंडियन पॉलिटिक्स एग्जिबिट्स इट्स इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, एग्जिबिट मतलब कि बताता है। तो ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, बढ़ता हुआ जो नंबर है, वो किसको बता रहा है, ये बता रहा है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। ऑल द पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट ऑन अनडेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक ग्राउंड, ठीक है। अब इसके अंदर दो वर्ड है, एक आया अनडेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक, इनके वर्ड क्या है, सॉरी इनके मीनिंग क्या है, मीनिंग ये अनडेमोक्रेटिक मतलब कि जैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या एमएलए का जो सिलेक्शन होता है वो किसके नाम पे होता है, वो होता है ओनली उसका नाम देख के अगले कैंडिडेट का, उसके पास पैसा कितना है, उसकी जो है पहुंच कितनी है, ये बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, वो कितना अच्छा है, उस पर कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं, जनता का भला करेगा या नहीं करेगा, इस तरह की कोई चीजें नहीं देखी जाती, पहली बात तो ये, ठीक है। ये हो गया ऑटोक्रेटिक, मतलब कि अपने हिसाब से अपने फॉर्म पे जो है किसी का डिसीजन कर लेना और किसी और से नहीं पूछना पार्टी में। अनडेमोक्रेटिक कैसे है, ठीक है, अनडेमोक्रेटिक ऐसे है, मान लो एक्स पार्टी, एक्स पार्टी अपना एक जो है कैंडिडेट को चुन रही है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, तब वो क्या है कि वो नहीं देखेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है, या अपनी पार्टी में डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ एक या दो या तीन लोग या पांच लोग मिल बैठ के जो है क्या करेंगे, उसको डिसाइड कर लेंगे, हाँ ये कैंडिडेट इस एरिया के लिए ठीक है, इसको वोट दे दो। पर एक्चुअली होना ये चाहिए हर पार्टी के अंदर जो है इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब कि अपने अंदर जो है किसी डिसीजन को लेने से पहले जो है बातचीत करनी चाहिए। बातचीत जो है डेमोक्रेसी में क्या होता है, ज्यादा ब्रॉड लेवल पे होनी चाहिए, ज्यादा लोगों से पूछ कर होनी चाहिए। तो ये जो चीज है आजकल पार्टीज जो है फॉलो नहीं करती, दिखाती जरूर है कि हमारे अंदर जो है बिल्कुल डेमोक्रेटिक फॉर्म में बात होती है, हम जो है सबकी सुनते हैं, पार्टी वाले सारे बंधुओं की सुनते हैं, उस एरिया में जो वर्कर्स है, जो पार्टी वर्कर्स है उनकी भी सुनते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। डिसीजन जो है वो टॉप लेयर पे या जो टॉप जो बैठे हैं पार्टी के अध्यक्ष वगैरह, वो लोग ही या दो या पांच लोग ही सिलेक्ट कर लेते हैं। द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस इज दैट द पॉलिटिकल पार्टीज आर मोस्ट कंसर्न फॉर दिस दैट द विक्ट्री ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैंडिडेट शुड बी एंश्योर्ड, ठीक है। सबसे बड़ा कारण क्या है, हर पार्टी ये चाहती है कि जीत मिलनी चाहिए, किसी का बैकग्राउंड वगैरह या सभी से फीडबैक लेना, जो मेन जो वर्कर्स है, जो पॉलिटिकल वर्कर्स है, जो मेन काम करते हैं हर एरिया के अंदर, उनसे कोई नहीं पूछता है, ठीक है, जो समर्थक जिनको हम कहते हैं उनसे कोई नहीं पूछता है, ठीक है। और वो अपने हिसाब से डिस्कस होता है, डिस्कस किस पे होता है कि ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये नहीं देखा जाता ये कैसा कैंडिडेट है। इन कंपैरिजन ऑफ पीपल विद एन ऑनेस्ट इमेज मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड टिकट टू विक्टोरियस कैंडिडेट हु आर वेल्दी एंड पावरफुल, ठीक है। ईमानदार, अच्छा, सच्चा, ये ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा जाता है, कैंडिडेट बस देखा जाता है कि इसके पास मेजोरिटी है क्या, इसके पास पैसा है क्या, ठीक है, इसके पास पावर है क्या, इसके पास सपोर्ट कैसा है, ये चीजें देखी जाती है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैन बी व्यूड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, इन नैरो टर्म्स इट इज एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट एंट्री एंड इंटरफेरेंस ऑफ द क्रिमिनल्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। इसको भी दो फॉर्म में देखा जाता है, मतलब इसके दो आप मान सकते हो तरीके क्या, पहला पहला तो ये दिखती बात है जो आपको समझा रहे थे देर से कि एमपी और एमएलए ऐसे लोगों का बनना जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है क्राइम से या उन पर कोई पेंडिंग है या किसी तरह के क्राइम के केसेस में इन्वॉल्व है, पहला तो ये नैरो सोच है जो सीधी बनती है सोच।
इन ब्रॉड टर्म्स अगर बड़े मोटे रॉक पे देखा जाए तो इट इज एसोसिएटेड विद द क्रिमिनल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड द गवर्नेंस. और बड़े रूप में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे जो है मेंटेन करना या उनको कैसे मैनेज करना, साथ ही साथ लोगों को कैसे मैनेज करना, ठीक है, कैसे लोगों को डरा के धमका के किसी भी फॉर्मेट में जो है क्या करना, इलेक्शंस में जो है सपोर्ट करवाना उस पार्टी के लिए प्लस खुद के कैंडिडेट के लिए भी, ठीक है ना. तो ब्रॉडर फॉर्म में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है डर से किसी भी तरीके से जो लोग बाग इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं. नैरो फॉर्म में देखें तो भाई दिखती बात है, सीधी समझ में यही बात है कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी का इलेक्शन लड़ना, ये होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. अंडर दीज एक्टिविटीज सच एज हेल्पिंग सम पॉलिटिकल पार्टी विद मनी एंड पावर, बूथ कैप्चरिंग एंड फेक वोटिंग ड्यूरिंग द इलेक्शन थ्रू एंटी सोशल एलिमेंट, थ्रेटनिंग द वोटर्स ऑफ अपोजिशन कैंडिडेट, असैसिनेशन एक्सेट्रा इंक्लूडेड. ठीक है, ब्रॉडर फॉर्म में क्या इंक्लूडेड होता है इसके अंदर, बड़े मोटे मोटे रूप से जो है बूथ कैप्चरिंग, लोगों को डराना धमकाना, अपोजिशन के कैंडिडेट को डराना धमकाना, ठीक है, या आपका जो कैंडिडेट है, मान लो कैंडिडेट जो है क्राइम से जुड़ा हुआ नहीं भी है, लोग कैंडिडेट जो है वो क्राइम से जुड़ा हुआ नहीं भी है, तो वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो क्या कर सके इलेक्शन के तब उसकी हेल्प कर सके. और ऐसे लोग कौन होते हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं. तो या तो क्रिमिनल जो है वो डायरेक्टली खुद पार्टिसिपेट कर ले, या इनडायरेक्टली क्या है वो लोगों को डरा के धमका के, किस लिए, क्या थी उनका जो खुद का कैंडिडेट है वो जीत जाए. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो बात तो वही है, ब्रॉडर फॉर्म में देखा जाए तो कैंडिडेट जीतना चाहिए, और नैरो फॉर्म में देखे तो सीधी बात है कि अगर वो खुद ही क्रिमिनल है और डायरेक्ट आता है तो क्रिमिनल. During the last three election, all the political parties have largely taken the help of people with criminal background. ठीक है, पिछले जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें देखा गया है पार्टी जो है किसकी हेल्प कर लेते हैं, ऐसे जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनकी, या तो उनको खुद टिकट दे देते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट फॉर्म में, या टिकट नहीं देके और किसी तरह से हेल्प लेते हैं, ठीक है, ये बात. Right from arranging for funds for the party up to changing the mindset of the voters through money and power, the role of the criminals has largely been on the rise. ठीक है, अब दिखती बात वही है कि क्रिमिनल्स का रोल कहीं ना कहीं बढ़ा ही है, ठीक है, या तो उनको डराओ धमकाओ पैसे दो कैसे भी करके जाए वोट लेने. मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस, गैदरिंग क्राउड इन द इलेक्शन कैंपेन, कलेक्टिंग द क्राउड इन मीटिंग्स एंड फंक्शन बाय गिविंग मनी टू पीपल और बाय थ्रेटनिंग देम, प्लान्ड क्रिएशन ऑफ आर्मी ऑफ वर्कर विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड एक्सेट्रा हैज बिकम कॉमन नाउडेज. ठीक है, अपने जो है गैंग्स बना लेना, किसी पार्टी के फेवर में जो है वोटिंग करवाना, लोगों को डराना, पैसे देना, रैलियों में लेके आना, ठीक है, और छोटे छोटे गैंग बना देना, ग्रुप बना देना, ठीक है, आर्मी ऑफ वर्क मतलब कि ग्रुप बना देना, ताकि वो क्या करे, फेवर करे किसको, उनका जो कैंडिडेट है या उनकी जो पार्टी है उसको. द सेम मैथ अप्लाइज फ्रॉम लोकल लेवल अप टू नेशनल लेवल. मैथ मतलब सेम गणित लगती है, पंचायत लेवल की बात करो या ऊपर लोकसभा तक जाओ तब तक. Earlier, the criminal used to stay away from active politics and help the party of their choice. But this tendency has changed now. Now they are not only winning the election by contesting them while obtaining the candidature, but they are also becoming minister and thus have become the policy framers of our country. Corrupt minister has become a common word in Indian politics. ठीक है, पहले तो क्या होता था, वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए ही हेल्प करते थे. अब वो क्रिमिनल जो भी है या जो बैकग्राउंड के लोग हैं खुद इलेक्शन लड़ने लगे हैं, साथ के साथ मिनिस्टर्स भी बनने लगे. अब मिनिस्टर्स अगर कोई इस तरह के बैकग्राउंड का आदमी बनता है तो किस तरह की पॉलिसी बनाएगा हमारी कंट्री के लिए, ठीक है ना. तो ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है. और आजकल तो है कहने भी लगे हैं कि भ्रष्ट करप्ट मिनिस्टर है, भ्रष्ट मिनिस्टर, ठीक है, किसको कहते हैं कि लगभग इस तरह के बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, अपने बस पावर के फॉर्म पे आके बैठ गए. इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री इलेक्शंस हैव बीन क्लोजली रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज, राइट फ्रॉम फोर्सफुली कास्टिंग वोट इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट टू ट्रिपिंग एंड फ्राइटनिंग द वोटर्स, स्टॉपिंग देम फ्रॉम रीचिंग द पॉलिटिकल बूथ, the Dalit and women from the weaker section of the society, tribal people and backward people. Not even a single election in the past 20 years has been conducted without violent activities and use of wealth, power and many times either the opponent candidate was assassinated so that the election can be cancelled. ठीक है, लोगों को डरा के धमका के औरतों को, ठीक है, दलित को, अदर माइनॉरिटीज को किसी भी तरीके से क्या करना, परेशान करके या गलत चीजें करके जो इलेक्शन जीतना या इलेक्शन होने ही नहीं देना, बूथ कैप्चरिंग वगैरह, या जो अपोजिशन में जो कैंडिडेट खड़ा उसी को मरवा देना, असैसिनेशन मतलब उसको ही मरवा देना, ये इतनी सारी चीजें जो है पिछले कुछ सालों में ज्यादा देखी गई.
The reason for this anarchy and violent activities is unity between the politician and criminal. तो इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि जो क्रिमिनल्स हैं और जो पॉलिटिशियन है वो एक दूसरे में जुड़े हुए, बाहर से ये बोलते हैं हाँ ये अपराध कम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर पीछे अगर देखा जाए इनडायरेक्ट फॉर्म में तो वो खुद भी कहीं ना कहीं जो है उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं, या तो उनसे उनको पैसे देते हैं या उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं. मैनी फैनेटिक क्रिमिनल्स, फैनेटिक मतलब अंधभक्त टाइप जो होते हैं क्रिमिनल, रीच द एसले ऑफ पार्लियामेंट. एसले ऑफ पार्लियामेंट मतलब सबसे अपेक्स पोजीशन में, व्हाइल कंफर्टेबली सिटिंग बैक इन द जेल. कुछ लोग तो जेल में बैठे बैठे जो है इलेक्शन जीत जाते हैं या लोगों को जितवा देते हैं, इतना बड़ा इनका नाम होता है. All types of cases are pending against the elements with such criminal background, in which serious crimes such as murder, robbery, kidnapping, forceful collection of wealth, rape, etc. are included. ठीक है, इसके अंदर जो है इस तरह के क्राइम जो है वो देखने को भी मिले हैं. किन में? उन कैंडिडेट में जो या तो जीत के आए हैं या वो किसी और के सपोर्ट से आगे बढ़े. ठीक है ना. फिर क्या, स्टेप्स टू कंट्रोल पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, इस तरह की जो चीजें हैं इसको खत्म करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आने लायक है, जो 10 पॉइंट्स में जो लिखा हुआ ना ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आपको पक्का याद होना चाहिए. धीरे धीरे वही बताऊंगा आपको कि आपको क्या चीजें याद करनी है और क्या चीजें लेफ्ट करके चलना है. डेवलपमेंट ऑफ आंसरेबिलिटी एंड इंटर डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट सिलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और आंसरेबिलिटी होनी चाहिए. मतलब कि जो आपके समर्थक जो है ना उनको भी यकीन होना चाहिए कि हमारा जो भी आदमी जिसको भी चुना गया है वो सही आदमी है. ठीक है ना. और इंटरनल डेमोक्रेसी अभी बताया था कि 5-3-4 ने बहुत से लोगों से पूछ के जो है उस एरिया के लोगों से फिर कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए, सिर्फ नाम के बेसिस पे या पैसे के बेसिस पे जो है खड़ा नहीं कर देना चाहिए. प्रोविजन ऑफ अ लीगल सिस्टम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू कंट्रोल द वर्किंग प्रोसीजर एंड वर्किंग बिहेवियर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, जो लीगल सिस्टम जो है, जो अथॉरिटीज है, जो लॉ वाली बॉडीज है, उनको भी जो है कैसे ना कैसे पॉलिटिकल पार्टीज पे जो है कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया या जुडिशरी हो गई. उनको स्पेशल अरेंजमेंट फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ केस पेंडिंग अगेंस्ट दोज क्रिमिनल हु आर पॉलिटिकली एक्टिव. फास्ट ट्रैक कोर्ट वो कोर्ट होते हैं जो अपना फैसला जो है जल्दी सुनाते हैं, प्लस उनका काम ही वही होता है कि वो फिक्स केसेस जो हैं उन पे ज्यादा ध्यान दें और उनको जल्दी निपटाए. हमारे इंडिया में क्या होता है कि जुडिशरी के अंदर एक केस जो है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक, 40 साल तक चलता रहता है, और इतने लाइफ ड्यूरेशन तक तो क्या होता है कि क्यों होता है, ये कारण क्या है कि डेट नहीं आ पाती, तारीख पे तारीख वाला मामला है. ठीक है ना. तो उस चक्कर में क्या होता है, जो आदमी है जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो उस वक्त जो है पॉलिटिशियन भी बन जाता है, मेंबर भी बन जाता है, मिनिस्टर भी बन जाता है, और उसको कोई सजा भी नहीं होती. क्यों? क्योंकि उसकी हियरिंग ही नहीं हो पा रही है. तो इस चीज को रोकने के लिए जो है जुडिशरी को क्या ट्राई करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब कि ऐसे कोर्ट बनाने चाहिए जो उन्हीं मामलों की सुनवाई करे जो कि बहुत जरूरी है और उनकी जल्दी सुनवाई करे. बैनिंग द क्रिमिनल एलिमेंट फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन थ्रू फास्ट जुडिशियल डिसीजन. ठीक है, और कोई जुडिशियल डिसीजन दे या तो, ताकि क्या हो इस तरह के जो लोग वो रुक जाए. Imposing ban on the contesting of election by the elements with a criminal background by making the required amendment and changing in the law. ठीक है, और इस तरह के लोगों को participate ही नहीं करने दे जो election procedure है उसको अंदर चेंज किया जाए election commission के द्वारा या हमारी law body के द्वारा, ताकि क्या इस तरह के crime आ ही नहीं पाए. ऐसा fix कर देना चाहिए भाई, जिसको भी 5 साल की सजा हो रखी है या जिसका केस चल रहा है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएगा. ठीक है ना. तो या उसको लगता हो इसने कोई गलत काम किया है उसको आप ऐड ही नहीं करोगे. तो ये प्रोसीजर किसका होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए, कि जो फॉर्म भरने आते हैं ना कि भाई ये हमारे पार्टी से लग रहा है, उसको लड़ने ही नहीं दिया ना करें, इस तरह के कानून बनाओ. अब कानून बनाता कौन है, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जो मेंबर्स है वो, और वो तो पहले से क्रिमिनल्स है या तो या जुड़े हुए हैं, तो वो क्यों ऐसा कानून बनाएंगे. इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद भी ट्रांसपेरेंट हो और इम्पार्शियल हो, किसी पार्टी के फेवर वाला नहीं हो. इम्पोजिंग बैन ऑन कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शन बाय दोज अगेंस्ट होम टू और मोर देन टू क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग. ठीक है, ऐसे लोगों को भी बैन कर देना चाहिए जिनके ऊपर या तो दो केस चल रहे हो या दो से ज्यादा केस चल रहे हो या फिर पेंडिंग हो. प्रोविजन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड फाइन ऑन दोज पॉलिटिकल पार्टी विच प्रोवाइड टिकट इन क्रिमिनल. इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो ऐसे लोगों को टिकट देती है इनको भी जो है बैन कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए या फिर उन पे पेनल्टी लगानी चाहिए. स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट ऑफ नोटा एंड अदर रिजिड मेजर सो दैट द पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड मे नॉट बी एबल टू विन द इलेक्शन. और इस तरह के लोग अगर मान लो खड़े भी हो जाते हैं तो ईवीएम के अंदर जो है आपका एक ऑप्शन होना चाहिए. आपको पता होता है ईवीएम के अंदर ऑप्शन होते हैं बीजेपी, कांग्रेस, XYZ, बहुत सी पार्टीज का, और सबसे नीचे एक लिखा होता है नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में से कोई नहीं. तो ऐसी अरेंजमेंट होना चाहिए कि अगर नन ऑफ द अबव को कुछ वोट मिल गए, कुछ मतलब कि 20%, 30%, 40% जितने भी, तो
वो जो कैंडिडेट है या उन जो भी कैंडिडेट है सबको बदल दिया जाए, समझ रहे हो ब्रेवा? अगर आपको लगता है कि एक पार्टी में से क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी खड़ा है, ठीक है ना, और आप उसको वोट नहीं देना चाहते हो, ठीक है, और दूसरों को भी वोट नहीं देना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, नन ऑफ द नोटा बटन दबा दो। उससे क्या होगा, वो जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं अगर नोटा में अप्रोप्रिएट वोट आ जाते हैं तो, जितने भी फिक्स है, ठीक है ना, अगर मान लो 33% फिक्स है और 33% वोट आ जाते हैं तो क्या कर दिया जाएगा, वो जो भी कैंडिडेट जितने भी खड़े हैं ना सब कैंसिल हो जाएंगे और एकदम पार्टीज को कहा जाएगा नए कैंडिडेट लेके आओ। तो उसमें भी होगा, नए अच्छे कैंडिडेट लाएंगे, हो सकता है क्रिमिनल वाले नहीं लेके आए, तो ये जो नोटा वाला ऑप्शन है उसको थोड़ा और जो है स्ट्रिक्ट फॉर्म में जो है अप्लाई करने की जरूरत है। अभी भी है पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि लोग वोट नहीं देते, लोग बोलते हैं देने से हो भी क्या जाएगा, छोड़ना जाना था। मेकिंग एन अरेंजमेंट ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल ऑनलाइन इलेक्टोरल सिस्टम इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या किया जाए, ऑनलाइन वोटिंग करवाई जाए, जिससे क्या हो, ये बूथ कैप्चरिंग या लोगों को डराना, धमकाना, पैसे देना, दारू पिलाना, इस तरह की जो हरकतें, ये सारे अपने आप ही बंद हो जाए, लोग अपने घर में बैठ के वोट दें, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक एनएन वोरा कमेटी बनी थी, हमारे पार्लियामेंट ने बनाई थी, कि वो किस तरह से ये जो पॉलिटिशियन खराब हो रहे हैं या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, इसको कैसे कैटर करना है, इसको कैसे रोकना है, इसके क्या क्या गाइडलाइन बनानी है, उस चीज के लिए कमेटी बनी थी, वो थी एनएन वोरा कमेटी। फॉर सीरियस इनसाइट एंड स्टडी ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ एनएन वोरा। इन इट्स रिपोर्ट द कमेटी हैज सेड दैट इन इंडिया द माफिया नेटवर्क इज रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने इसमें जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें ये लिखा कि हमें ये पाया है कि हमारे इंडिया में जो है गवर्नमेंट के पैरेलल जो है ये माफिया, ये जो क्रिमिनल है, ये भी अपनी गवर्नमेंट या अपने बराबर इतना पावर रखते हैं। जब दो, एक तो मेन पावर हो, एक जो है अपने क्राइम के बेसिस पे या अपने मेजोरिटी के या अपने पावर के बेसिस पे अगर गवर्नमेंट को जो है डिसीजन जो है कैंसिल करवा देते हैं या डिसीजन चेंज करवाते हैं, तो वो कहलाती है पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है ना। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और गवर्नमेंट सिस्टम हैज बीन मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई गिनता नहीं है, इसको हाशिए पर मतलब कि किनारे कर दिया गया, मार्जिनलाइज मतलब कि किनारे पर कर दिया गया है, और सारा का काम कौन संभाल रहा है, ये जो क्राइम क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं वो। द अनरिस्पॉन्सिवनेस, नॉन सीरियसनेस एंड रिपल्सिवनेस ऑफ द वोटर्स हैव फर्दर इंक्रीज दिस टेंडेंसी, और ये इसका मेन कारण क्या है कि हम जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वोटर्स जो है खुद हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हम जो है सीरियस नहीं, और हम क्या है एकदम छोड़ देते हैं कि वहां रहने दो, ये तो ऐसे ही होना है। रिपल्स मतलब कि हम बोल देते हैं ऐसी है जैसा स्थिति वैसे ही रहने, तो होना जाना कुछ है नहीं। तो जब हम ही ये नहीं चीजें कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी। एज दीज माफिया फैक्शन हैव गेन्ड सपोर्ट ऑफ द लोकल लीडर्स, दे हैव स्टार्टेड डिराइविंग इललीगल बेनिफिट फ्रॉम दिस, और इससे क्या होने लग गया, इललीगल बेनिफिट जो है उठाने लग गए, कौन, ये जो लोकल माफिया गैंग्स है वो। विद द पैसेज ऑफ टाइम द डबल बॉन्ड ऑफ माफिया एंड पॉलिटिशियन हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रिपल बॉन्ड, अब उन्हें क्या लग गया है, जो माफिया है पॉलिटिशियन जो है इनका जो डबल बॉन्ड एक साइंस में होता है कि इक्वल रिलेशन होता है, ठीक है, अब वो होने लग गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल मतलब कि अब ये क्रिमिनल जो है वो ज्यादा फायदा नहीं लेने लगे, पहले होता था 50-50, इक्वल टू वाला निशान होता ना 50-50, पहले वो होता है डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाता है, 50-50 नहीं होके अब होने लग गया है गवर्नमेंट को जो 20% 30% मिलता है या जो मेंबर्स है उनको, तो और जो ये क्रिमिनल टाइप के जो लोग है ये जो है ज्यादा 70% फायदा उठाने लग गए हैं, तो मतलब यह एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको मिलने लग गया है। The coalition of the police, the criminals and the politician is eating away the Indian democracy just like a termite. और ये जो एक combination बना है किसका, पुलिस का, criminals का और politicians का, ये मिलके क्या कर रहे हैं, दीमक, termite बोलते हैं, दीमक जो लकड़ी में लगता है, वो जैसे लकड़ी को खा जाता है उसी तरह हमारे इंडिया को, हमारे कंट्री को और हमारे पॉलिटिक्स को खा रहे हैं। Eradicating corruption from the public life and preventing the political system from being criminalized should be the foremost priority of the Indian electoral politics. Criminalization in politics can be lessened only by impartiality of the judiciary, police, election commission and bureaucracy along with honest and active participation of the people in the election process. और ये सारी चीजें जो अच्छाई है, transparency है, ठीक है, ये सब जो है सही होना चाहिए, सारी चीजें कैसे आ सकती है, एक तो सबसे पहले judiciary जो impartial हो, मतलब उसका झुकाव किसी की तरफ नहीं हो, दूसरी बात पुलिस जो है वो अपना काम ढंग से करे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो बना हुआ है इलेक्शन चीज के लिए वो अच्छी गाइडलाइंस दे, और ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से काम करे, और उसके बाद जो है हम खुद ऑनेस्ट ईमानदार हम होने चाहिए, हमारा जो सपोर्ट है वो किसी पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट के लिए होना चाहिए कि ये अच्छा है तो ही वोट देना है, अब किसी एक के नाम पे या क्रिमिनल से डर के जो है वोट नहीं देना है। जरूरी नहीं होता है कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो हमेशा ही अच्छी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, हमें जो कैंडिडेट को देखना चाहिए वो कैसा है, पढ़ा लिखा है नहीं है, उस पर कोई क्राइम तो नहीं चल रहे हैं वगैरह वगैरह।
तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? हम है, और उसके बाद में चारों पांचों चीजें। ये किसने दी थी रिकमेंडेशन या इस तरह की चीज किसने दी थी? एनएल वोरा कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी उन्होंने। अब जो थर्ड अपना वो बचता है क्या टॉपिक, वो है करप्शन। करप्शन आप समझते हो क्या होता है? भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं। भ्रष्टाचार कहां कहां नहीं होता है? हर जगह होता है। जो आप अननेसेसरी, जो आपका हक है, जो आपका, इसको सिंपल समझे, जो आपका हक है, जो आपका राइट है, उस चीज को करने के लिए, करवाने के लिए अगर आपसे कोई पैसे लिया जाए या आपको वो नहीं दिया जाए, ठीक है, या उसकी अननेसेसरी कोई और डिमांड कर दी जाए या आपसे वो चीज छीन ली जाए, ये पूरी चीजें जो है, ये पूरा जो प्रोसेस है वो कहलाता है करप्शन या भ्रष्टाचार। या नेता जो है बड़ी बड़ी कंपनीज को फायदा बनाने के चक्कर में जो है उनसे ब्राइब, मतलब घूस ले, बड़े बड़े फायदे ले, अपने खुद के ही नाम पे प्रोजेक्ट इश्यू करवा ले, ठीक है, ताकि उनको खुद को ही फायदा हो जाए और जनता के जो पैसा है उसको जो है कोई क्या कह सकते हैं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, लाइबिलिटी नहीं हो। तो ये सब कारण क्या है? करप्शन है। द लिटरली मीनिंग ऑफ करप्शन इज करप्ट बिहेवियर। करप्ट मतलब की भ्रष्ट आचरण, ठीक है। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट आचरण। ये हिंदी इसका जो है वो संधि होती है, भ्रष्ट आचरण मतलब आपका कंडक्ट जो है, आपका जो तरीका है वही अगर गलत है तो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में हो रहा, भ्रष्टाचार हर जगह होता है। अगर टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहा तो वो भ्रष्टाचार है। क्यों? क्योंकि वो पैसे लेता है या जो भी फीस लेता है अपनी पढ़ाने के लिए लेता है, और वो क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? शॉर्टकट काट रहा है। बच्चे जो है वो अगर ढंग से नहीं पढ़ रहे तो भी भ्रष्टाचारी। क्यों? उनके पेरेंट्स फीस भरते हैं, ठीक है ना, पढ़ने के लिए, और वो अच्छे पढ़ने नहीं आते हैं या पढ़ते नहीं है, टाइम पास करते हैं, इजी गो थ्रू चलते हैं, मजे से चलते हैं, वो भी भ्रष्टाचार एक तरीके से, ठीक है। हर तरीके से, खाना पीना, फैमिली, पड़ोस, सब तरीके से आप देखोगे हर चीज। आइडियल सिचुएशन में देखा जाए कि जब आदमी को जो डिजायर्ड काम होता है, जब आदमी को जो डिजायर्ड वर्क होता है वो इशू वो नहीं करता है और कोई दूसरी चीजें करता है, उसमें शॉर्टकट अपना लेता है या उसको आधा अधूरा करता है, या ये सोचता है मेरे करने से क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आता है? ये आता है भ्रष्टाचार की कैटेगरी में, ठीक है ना। व्हाट इज, सॉरी, करप्ट बिहेवियर मीन्स सच बिहेवियर विच इज अनएथिकल एंड अनरीजनेबल विद एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। करप्ट बिहेवियर क्या होता है? भ्रष्ट आचरण जो बोल रहे हैं होता है अनएथिकल, मतलब कि जो सही नहीं है, मॉरलिटी के थ्रू देखा जाए तो नैतिक रूप से सही नहीं है, और अनरीजनेबल जो उचित भी नहीं है, जिसका कोई रीजनल नहीं है, वो विद एवरी पॉइंट ऑफ व्यू हर तरीके से जो चीज गलत है वो होती है भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचरण। व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स बिहेवियर इनकरेक्टली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट व्हाइल गोइंग अगेंस्ट द जुडिशियल सिस्टम, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज करप्ट पर्सन, ठीक है। और अगर आइडियल फॉर्म में देखा जाए, अगर कोई आदमी खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है और वो क्या करता है, खुद को जो है दूसरी चीजों के ऊपर रखता है, जुडिशियल सिस्टम जो है मतलब कि जो लॉ है उसको नहीं मानता है, तो उसको आइडियल फॉर्म में कहा जाता है करप्ट पर्सन, ठीक है। तो मान, ऐसा नहीं है कि जो मैंने एग्जांपल दी वो भी गलत है, कि मान लो कोई भी आदमी, एक पुलिस वाला भी, उसका काम क्या होना चाहिए? जनता की सेवा, ठीक है। तो आप वहां जाते हो, लॉ ने क्या कहा है? जनता की सेवा करना, ठीक है, जब उसने वो ओथ ली थी, शपथ ली थी तब, ठीक है। अब वो क्या करता है? आपसे पैसे मांगता है, आपको सुनता नहीं है, आपको भगा देता है, आपकी रिपोर्ट नहीं सुनता है, तो ये भी एक भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट आचरण है या भ्रष्ट है वो खुद भी। तो हर तरीके से अलग है। फिर आता है, व्हाट इज करप्शन? करप्शन इज लाइक टर्माइट फॉर द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री विच मेक इट हॉलो, ठीक है। करप्शन एक ऐसा दीमक है जो हर कंट्री को जो है खोखला, हॉलो कर देता है, ठीक है। करप्शन रिफर्स टू सच कंडीशन इन विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन गोज बियॉन्ड द लीगल लिमिट्स एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट टू अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एन इनअप्रोप्रिएट मैनर एंड प्रोवाइड लॉस टू पब्लिक इंटरेस्ट व्हाइल ऑब्टेनिंग वेल्थ एंड अदर फैसिलिटी इन एक्सचेंज, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना, कहां से? करप्शन से लेके एक्सचेंज तक। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या करता है, आदमी जो है अपनी लिमिट से ऊपर चला जाता है, जो उसका काम है वो नहीं करता है, लिमिट से ऊपर जाके दूसरे आदमी को फायदा पहुंचाता, जिसने उसको पैसे दिए, जिसने उसको वेल्थ का प्रॉमिस दिया, जिसने उसको और कोई जो है एल्यूरमेंट, मतलब कि उसको और कोई लोभ दिया है, लालच दिया है, ठीक है। तो वो जब ऐसा काम करता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका क्या, करप्शन, ठीक है। मतलब किसी गलत चीज का साथ भी दे रहे हो, साथ साथ में आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, ठीक है। आपने कोई काम करवा दिया, सरकारी ऑफिसर्स में ज्यादा होता है, ठीक है, और उसमें फिर क्या ले ली, थोड़ी सी रिश्वत ले ली। आप बोलते हो ये क्या हो गया, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया, इस चक्कर के अंदर सारे ये सोचने लग गए, तो क्या हो गया, वो करप्शन या करप्ट पर्सन या पूरा प्रोसेस ही करप्ट हो गया। सिर्फ लेने वाला ही करप्ट नहीं होता है, रिश्वत देने वाला भी जो है सबसे ज्यादा करप्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप अपना काम निकालवाने के लिए क्या कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसके जो है मुंह में कहते हैं ना वो खून लगा रहे हो,
अगली बार और दूसरों से भी पैसे मांगेंगे, फिर और आएंगे तो और से पैसे मांगेंगे, धीरे 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 जो है पैसे पैसे। अब छोटा सा एक क्लर्क होता है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, उसी की बात करते हैं, जिसकी पेमेंट जो होती है वो होती 25 से 30,000 मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन में बात कर रहा हूं, बाकी 15-20 हजार होती। 30,000 कमाने वाला कैसे बड़े बड़े घर बना लेता है, बड़ी बड़ी गाड़ी रख लेता है और बड़ा ही शान और शौकत से रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, बस उसका वही कारण है कि उसने जो है काम निकलवाने के एवज में क्या किया है, पैसे लिए। करप्शन मेनली स्टार्ट इन द इलेक्शन बाय द डोनेशन गिवन बाय द बिजनेसमैन इन द इलेक्शन। सबसे पहला करप्शन कहां स्टार्ट होता है कि जो जब इलेक्शन होते हैं ना, तब ये सब पॉलिटिकल सब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, डोनेशन लेती है किनसे, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, जैसे अंबानी अडानी, ये जो बड़े बड़े ना टाटा फाटा जो भी, गोदरेज जो भी, सबसे जो है क्या करती, पैसे लेती। क्यों? क्या यार डोनेशन चाहिए। डोनेशन तो क्या होता है, जो मंदिर में देते हैं 10 रुपए 5 रुपए डोनेशन, तो उस तरह वो इनका डोनेशन कितना होता है, 500 करोड़ 1000 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, ठीक है ना। अब कोई बिजनेसमैन, आप खुद ही सोच लो, आप खुद बिजनेसमैन हो और आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है डोनेशन दिया है 200 करोड़ रुपए, क्यों दिया है, पागल हो गए? नहीं, आपने जो है मेहनत से कमाया, आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे, आपने भी कहीं ना कहीं जो गलत कमाया। आपने क्यों दिए? आपने इसलिए दिए हैं कि अगली बार मान लो ये इलेक्शन जीत गया तो इसकी सरकार बनेगी, इसकी सरकार बनेगी तो क्या होगा कि अब जो पॉलिसीज जो बनेगी, चाहे वो टेलीकॉम पॉलिसी हो या किसी तरह की भी पॉलिसी हो, ठीक है, हजारों पॉलिसीज होती है, और मेरी कंपनी जो है मान लो मोबाइल की कंपनी, तो ये मुझे फायदा देगा जो जो भी जो ये फ्रीक्वेंसी वगैरह है या जो गैजेट्स है या मोबाइल्स बनाने के लिए जो टैक्सेस वगैरह है या जो जमीन वगैरह मुझे चाहिए फैक्ट्री वगैरह की, वो सस्ते में दिलवाएगा। तो अगर किसी बिजनेसमैन को जब तक ये नहीं लगता कि मेरे को पैसा देने से कम 10 गुना फायदा होगा, तब तक वो डोनेशन नहीं देगा। अगर किसी बिजनेसमैन को लग रहा है कि इस पार्टी की सरकार बनेगी और वो कितने रुपए दे रहा है, 200 करोड़ डोनेशन दे रहा है मान लो, जब उस तब उसको लगना चाहिए कि यार 200 करोड़ देने से मेरा फायदा कितना होगा, 2000 करोड़ का जब तक फायदा उसको नहीं दिखता तब तक वो डोनेशन नहीं देगा। इतना तेज होता बिजनेसमैन, उसको लगता है यार ये दूंगा ना तो मेरी ऐसी पॉलिसी यहां से निकल जाएगी, ऐसा ऐसा होगा, ऐसे हो जाएगा, तभी वो डोनेशन देगा, ठीक है ना। और वो देख भी लेगा कि किस पार्टी को वो डोनेशन देना है। ऐसा भी नहीं है कि अच्छी पार्टी कोई अच्छी होती ही नहीं, ये सब दिखावा होता है, जो हमारे आसपास जो चल रहा है ये सब दिखावा, ये पार्टी बहुत अच्छी है नहीं, ऑनेस्ट तो कुछ होता ही नहीं, अच्छे से अच्छा भी है ना वो सबसे करप्ट है, ठीक है, वो अच्छे होने की बस एक्टिंग होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े भाषण होते हैं और होता कुछ नहीं। हर पार्टी एक्स वाई जेड का नाम नहीं, हर पार्टी हर आदमी बिकावा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर 0.001% जो है ऐसे ढंग के आदमी मिलते हैं, बाकी पॉसिबल ही नहीं, दिखने में सब अच्छे होते हैं बाकी सब बिके हुए। तो मान लो एक्स वाई जेड को लग गया कि इसको 500 करोड़ दे देता हूं और ये इलेक्शन जीतेगा, ठीक है, क्योंकि लहर जो है इसके फेवर में चल रही है, मेजोरिटी इसके फेवर में चल रही है, तो आगे जैसी गवर्नमेंट बनेगी तो वो पूरी कोशिश करेगा 500 × 10 जो है या 20 जो है गुना जो फायदा में लेने की कोशिश करो, तभी वो डोनेशन देगा, बाकी कौन डोनेशन देगा, कोई नहीं देगा। मैं खुद आपसे अगर मांगू कि यार आप जो है मुझे इतने रुपए दीजिए जो है मेरा हेल्प चाहिए, तब आप हेल्प कब करोगे, जब आपको लगेगा कि मुझे या तो पहली बात तो हो जाए कहीं मेरा फायदा पहुंचा सकता है या मेरा कहीं काम आएगा रिकवरी, ऐसे नहीं तो वैसे। भगवान को ये जो पैसे देते हैं ये एक तरह से रिश्वत ही तो है, मंदिर में जो ये गुल्लक में डालते हैं, मुझे तो ये रिश्वत ही लगती है, भगवान मेरा काम कर देना, थोड़ा यूं दया रखना, 12th में अच्छे नंबर ले आना, ये कर देना वो कर देना, तो यही बात है। तो सबका अलग अलग है, मानना अलग है, पर अपन पॉलिटिक्स की बात करें तो उसी पे रहते हैं। एवरी पोलिटिकल पार्टी रिक्वायर्स मनी फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन एंड टू स्पेंड ऑन द प्रोपोगेंडा एंड कंपेनिंग ऑफ इट्स कैंडिडेट। प्रोपोगेंडा ये झूठ फैलाने के लिए, अपनी बातें जो ये आती ना व्हाट्सएप वगैरह में जो एडवर्टीजमेंट वगैरह जो देखते हो, ये उनके पास इतने पैसे थोड़ी होते हैं, ये तो पैसे बाहर से डोनेशन से लेते हैं ताकि जब गवर्नमेंट बनेगी तो फिर से इनको चुका देंगे। फॉर दिस पर्पज द पोलिटिकल पार्टी ऑब्टेन मनी फ्रॉम लार्ज बिजनेस हाउसेज एंड बिजनेसमैन। ड्यू टू दिस प्रोसेस दीज बिजनेस हाउसेज एंड बिजनेसमैन मेक अफोर्ड टू डिराइव इन अप्रोप्रिएट बेनिफिट फ्रॉम द पार्टीज विच कम इन टू पावर आफ्टर द इलेक्शन एंड द सिस्टम ऑफ करप्शन स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। मोस्ट ऑफ द मैटर्स ऑफ करप्शन आर एसोसिएटेड विद परचेज ग्रांट्स कंस्ट्रक्शन एलोकेशन ऑफ लाइसेंस परमिट लोन अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एंड अदर सच सेक्टर। ठीक है, इन सेक्टर से जुड़े होते हैं, या तो लोन लेना होता है या कोई लाइसेंस इशू करवाना होता है या कोई जमीन खरीदनी हो, ठीक है, या कोई अपॉइंटमेंट करवाना हो या कोई सब्सिडी लेनी हो, तो ये सारे जो बिजनेसमैन होते हैं इससे जुड़े होते हैं। ऐसा भी नहीं होता है ये जो है ना एक ही पार्टी को देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिजनेसमैन बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो ये सोच के चलता है मान लो दूसरी वाली पार्टी
कुछ भी हो सकता है, मान लो दूसरी वाली पार्टी इलेक्शन जीत गई उसको नाराज थोड़ी कर सकते। तो पहले वो क्या ट्राई करता है कि जो सबसे ज्यादा लगता है ये पार्टी इलेक्शन जीतेगी, ठीक है, वो सबको पता ही होता है। तो उसको क्या करती है, मान लो 200 करोड़ रुपए दे दिए, पर फिर भी वो क्या है, जो दूसरी पार्टी जो अगेंस्ट में है उसको भी जो है 85 करोड़, तो उसको भी देती है। हो सकता है हारने के बाद डूब जाएंगे, पर अगली बार 5 साल 10 साल बाद तो उसकी गवर्नमेंट बनेगी ना, या किसी स्टेट में तो बनेगी ना उसकी गवर्नमेंट, तब वहां फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिजनेसमैन बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो कभी भी एक को खुश नहीं करता, दोनों को खुश करता है, डिफरेंस रखता है वो। और ये बताता थोड़ी है उसको इतना दिए इसने दिए, एक पार्टी को मान लो उसने दे दी 200 करोड़, दूसरी पार्टी को 50 करोड़ देकर निकल ले, ठीक है, दोनों राजी, दोनों बोला काम हो गया, और आज नहीं तो कल तो गवर्नमेंट बनेगी, नेशनल पे नहीं बनी तो स्टेट पे बनेगी, वहां फायदा उठा लेंगे, फायदा तो उठाना है। तो हर तरीके से हर चीज को खुश रखते हैं। हर पार्टी के पास इतने रुपए कैसे आते हैं, इस यहां से आते हैं। प्लस जब वो पार्टी सरकार में होती है तब बहुत से घपले होते हैं इंटरनली, कुछ कुछ खुलते हैं, बहुत रेयरेस्ट केस में जो आप ये देखते हो ना कि जो घोटाले खुले हैं, रेयरेस्ट केस में होते हैं, मतलब 10-20 साल में एक या दो बार को ऐसे इंस्टेंस आता है किसी किस्मत खराब हो तो ये घोटाले खुल जाते हैं, बाकी इतने घोटाले होते हैं कभी किसी का घोटाला नहीं खुलता है, जन्म बीत जाते हैं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ पता भी नहीं चलता। तो ये पूरा जो है सब आपस में जुड़े रहे, हमें लगता है कि कितने अच्छे हैं, अच्छे कोई नहीं, ठीक है, हम पागल है, खैर कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो कंटिन्यू है।